ये कहानी दो ट्विंस भाई बहनों की है जो एक भूतिया महल में अकेले रहते हैं। एक दूसरे के साथ घपा घप करने का श्राप उन दोनों को मिला हुआ है। अब वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, अभी क्यों कैसे, यह हम जानेंगे आगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट तक देखिएगा जरूर। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत सारे राज भी, जिसे आप जानकर सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, अरे ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हमने रखा हुआ है डरी, जो किताब पढ़ते पढ़ते एक लेक के किनारे सो गई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ रात होने वाली थी और वो वहाँ से डर के मारे फटाफट अपने घर के लिए भाग जाती है। वो अपने घर के अंदर आती है और दरवाजा फटाफट बंद कर देती है। वहाँ पर उसका भाई, जिसका नाम हमने रखा हुआ है डरा, वो बहुत घबरा गया था कि उसकी बहन डरी बहुत लेट आई थी। दोनों फटाफट दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बेसमेंट से बहुत सारा पानी ऊपर निकल रहा है। फिर हो जाती है सुबह, जहां हमारा डरा अकेले बैठा हुआ है खाने के टेबल पे और उसकी बहन उसको बर्थडे विश करती है। तब उसका भाई बोलता है, ये भी कोई जिंदगी है जहाँ पर हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें डर डर के जीना पड़ता है। तभी हमें पता लगता है कि दोनों शरापित हैं जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया था। शराब से बचने के लिए उन दोनों को तीन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि फर्स्ट रूल होता है 12 बजे से पहले सो जाना, और दूसरा रूल कोई अजनबी घर के अंदर ना आ पाए, और तीसरा रूल दोनों एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ सकते, और अगर दोनों ने इनमें से कोई भी एक रूल तोड़ा तो उनको उसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। तब डरी बोलती है कि वो रात को लेट क्यों आई थी। वो बोलती है कि किताब पढ़ते पढ़ते लेक में उसकी आंख लग गई थी, इसीलिए वो रात को लेट आई। तब उसका भाई डरा गुस्से से बोलता है कि तुमने रूल तोड़ा है तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तब वो अपनी बहन को बेसमेंट पे लेकर जाता है और माफी मांगने के लिए बोलता है। उसकी बहन डरी माफी मांगती है और एक गाना भी गुनगुनाती है। उसके कुछ देर बाद डरी बाहर निकलती है घर के कुछ सामान खरीदने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे तीसरे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम हमने रखा हुआ है डर गया, जो एक आर्मी है और अभी अभी जंग खत्म करके घर वापस आ रहा है। उसे देख उसकी माँ बहुत खुश थी। उधर हमारी डरी अभी रास्ते में ही है, जहाँ उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है। उन कपल में से एक लड़की का नाम घपा होता है और लड़के का नाम घप, जो वहाँ घपा घप करने की तैयारी में है। हमारी डरी वहाँ उन दोनों को घपा घप करते हुए देखना चाहती थी और दोनों काम करने ही वाले थे। तभी हमारी डरी की सिसकने की आवाज उन दोनों को पता लग जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी घपा वहाँ से भाग जाती है और डरी भी दूसरे रास्ते से भाग जाती है। अब यहाँ पर हमारे घप ने डरी को देख लिया था वहाँ से भागते हुए। हमारी घपा भागते भागते अपने घर आती है, जहाँ उसका एक दुकान है, और हमें पता लगता है कि डर गया उसका भाई है। और वहाँ डरी भी उसकी दुकान में आई है, जहाँ घपा और डर गया की माँ डरी को एक लेटर देती है जो उसके लिए ही आया था। तब डर गया अपनी बहन घपा से पूछता है, ये कौन है। तब घपा अपने भाई से बोलती है कि ये वही अजीब सी लड़की है जो अपने भाई के साथ भूतिया हवेली में रहती है। डरी वहाँ से खत लेकर बाहर जा रही थी, तब वहाँ उसे घप मिल जाता है जो उसका पीछा करते करते यहाँ आया था। घप डरी को बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरा घपा घप अधूरा रह गया। वहाँ पर डरी काफी घबराई हुई थी। तभी डर गया वहाँ आ जाता है और डरी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और डरी वहाँ से जा रही थी और डर गया घप को बहुत पीटता है। डर गया घप को पीटने के बाद डरी के पीछे पीछे जाने लग जाता है और डरी को रोक उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। डरी उसको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। वो सीधे लेक के पास जाती है और अपना बुक उठाती है और वहाँ बैठ अपना खत पढ़ने लग जाती है, जहाँ उसे दो भयंकर आत्मा दिख जाते हैं जो बहुत डरावने थे। डरी वहाँ डर के मारे आंख बंद कर लेती है और कुछ देर के बाद जब आंख खोलती है तो वहाँ पर वो दो आत्मा गायब थे। दूसरी तरफ डरा एक कौवे को पकड़ता है, जिसे वो अपने माँ के पिंजड़े में कैद करता है। डरी अपने घर आकर दरवाजा बंद करती है। तभी वहाँ फिर से वो आत्मा उसे दिखाई देता है। वो डरी को अपने पास बुलाता है, लेकिन डरी बहुत डरी हुई थी। उसी वक्त डरी का भाई डरा वहाँ पर आ जाता है, तब वो आत्मा भी झट से गायब हो जाती है। उसके बाद डरी अपने भाई को बोलती है कि गार्बिन ने एक खत भेजा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि हमें घर खाली करना पड़ेगा और जो हवेली को देखने कुछ दिनों बाद आ रहा है। ये सुन डरा बहुत घबरा जाता है, ये सोचकर कि उसके आने के बाद रूल्स बहुत तोड़े जाएंगे। उसके बाद डरी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है और उसे ख्याल आता है कि उसने डर गया के साथ दोस्ती इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है और उसे दोस्त की बहुत जरूरत है। तभी उसका भाई डरा वहाँ पर आता है और उससे माफी मांगने लग जाता है उसके बिहेवियर से, और डरी उसे बोलते है कि हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे नए तरीके से। लेकिन डरा उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो उन आत्माओं से बहुत
डरता है। तब हम देखते हैं अगली सुबह बर्मन हवेली में आया है, उसे ऊपर से डरा देख रहा था और वो अपनी बहन डेरी से बोलता है कि दरवाजा मत खोलना, वो अपने आप चल जाएगा। लेकिन डेरी उसकी बात नहीं सुनती और दरवाजा खोल देती है। तब बर्मन बोलता है कि अपने भाई को बुलाओ, मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में उससे बात करनी है। लेकिन डेरी बोलती है कि वो अभी बात करने के हालात में नहीं है, आप चले जाइए, बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन बर्मन जबरदस्ती अंदर आने को खोजता है, तभी डेरी झट से दरवाजा बंद कर देती है और डेरी अपना कुछ कीमती ज्वेलरी बाहर लेकर आती है और उस बर्मन को देती है और उसे बोलती है कि हमें कुछ मोहलत दीजिए। अब डेरी उस बर्मन को अपने गेट तक छोड़ने के लिए जाती है और उन लोगों को छुपके देख रहा था हमारा डर गया भैया, जो डेरी से मोहब्बत करता है। और इधर बर्मन डेरी को बोल रहा था कि उसके माँ बाप ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है जिसको वो लोग को ही चुकाना पड़ेगा। वहाँ पर डेरी कुछ आंसर नहीं देती और उसे घर के बाहर छोड़ देती है। वापस आते वक्त डेरी ने डर गया को देख लिया था और वो उसके पास जाती है और वहाँ से उसे जाने के लिए बोलती है और वो एक वादा भी करती है कि वो कल पक्का मिलेगी उससे। रात को इधर डेरी और डरा दोनों डिनर कर रहे थे और दोनों बहुत डरे हुए थे और डरा यहाँ पर बोलता है कि शायद हमने कुछ रूल तोड़ दिया है इसीलिए ये सब हो रहा है। और डेरी जब खाना परोसने के लिए ढक्कन निकालती है तो वहाँ पर खाना नहीं था बल्कि वहाँ छटपटाता हुआ एक मछली था। उसे देख डेरी और डर जाती है और अपने रूम पर चली जाती है। डेरी अपने रूम पर जाके दरवाजा बंद करके सो जाती है और सुबह हम देखते हैं कि हमारा आशिक डरगया वहाँ पर आया हुआ है और डेरी का वेट कर रहा है। हमारा आशिक डरगया वहाँ पर दो कब्र देखता है, तभी उसके पीछे से डेरी आ जाती है और वो बोलती है कि ये मेरे माता पिता का कब्र है। ये बात करते करते दोनों लेक के पास चल जाते हैं और डेरी यहाँ पर अपना लॉकेट दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरे माँ बाप का लॉकेट है जिसे मेरा भाई डराने दिया था और यही कुएं में मेरे माँ बाप डूब कर मर गए थे और मरने से पहले उसकी माँ ने ये लॉकेट मेरे भाई डरा को पहनाया था जिसने मुझे दिया और यही एक मेन रीजन है कि उसका भाई डरा बहुत डर गया इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बर्मन फिर महल में आया है जिसे आता वो हमारा डरा भाई देख रहा था। बर्मन महल में आता है और उसका भाई डरा उसको अंदर बुलाता है और सीन शिफ्ट होती है फिर से डरी और डरगया के पास जहाँ दोनों घबाघब करने के चक्कर में है। घबाघब कर ही रहे होते हैं कि डरी बोलती है कि हमें कोई देख रहा है। तब डर गया वहाँ पर रुक जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है, फिर बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तब डरी उसे फिर से अपनी कहानी बताती है कि हम लोग शरापित हैं और हमें पूर्वजों ने शराब दिया हुआ है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है महल में जहाँ बर्मन अंदर आकर देख रहा है और वो देखता है कि बेसमेंट से पानी टपक रहा है ऊपर की तरफ। वो ये देख बहुत हैरान था, तभी डरा से पूछने के लिए पीछे मुड़ता है लेकिन उसके पेट में छुरी मार कर डरा उसको मार देता है और वो लाश को खींच रहा था छुपाने के लिए लेकिन बेसमेंट से जहाँ से पानी आ रही थी वो उसके तरफ खींच लेती है और लाश को अपने तरफ खींच कर डुबा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होती है डरी और डरगया के पास। डरी ने जितना भी कहानी बताया अपने बारे में, डरगया उस पर बिलीव नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। डरगया अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन वहां पर घब अपना बदला लेने के लिए पहुंच जाता है और उसको बहुत पीटता है। और यहाँ डेरी अपने महल में आती है अपना उदास मुंह लटकाए हुए और महल आकर अपने भाई डरा से बोलती है कि मुझसे ऐसी जिंदगी और जिया नहीं जाता, मैं ये घर अब छोड़कर जा रही हूँ। बोल अपने रूम पर जाके कपड़े पैक करने लग जाती है, तभी वहाँ आईने में बर्मन बूढ़े की लाश दिखती है। वो डर के मारे बेड पर चढ़ जाती है और अपने आप को छुपा लेती है और हम देखते हैं कि हमारा आशिक डर गया वहाँ पर आया है बेसमेंट के थ्रू जहाँ पर पानी ही पानी है और हमारी डरी भी उसको बचाने के लिए नीचे जाती है पानी में और उसे किस करते करते वो देखती है कि वो डर गया से डरा में बदल रहा है, मतलब उसके आशिक से वो उसका भाई में बदल जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है और उसे पता लगता है कि ये सब सपना था और वो सुबह होते ही डर गया के दुकान में जाती है उसे मिलने के लिए लेकिन उसकी माँ उसको गाली करके वहाँ से भगा देती है क्योंकि डर गया बहुत जख्मी था और उसका रीजन सिर्फ इसकी वजह से। और ये बात उसकी माँ को मालूम थी इसीलिए उसने डरी को वहाँ से भगा दिया। और कुछ देर के बाद डर गया अपनी माँ से पूछता है कि डरी ने ऐसा ऐसा बताया था, क्या ये सच है? और उसकी माँ बोलती है कि ये सब सच है, वो दोनों शरापित है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डरी अपने घर जा रही थी लेकिन वहाँ घब अपने आदमियों के साथ आकर उसे रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। डरी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा कर अपने महल में पहुँच जाती है। हमारा घब भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही डरी अपने महल में आती है उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डरी सीधे लेक के किनारे में आकर बैठ जाती है और उस नदी को देख वो याद करती है कि कैसे उसकी माँ को उसके बाप ने डुबा कर मार दिया था। डरी बहुत इमोशनल होकर घर पे जाती है और अपने भाई से बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
वो ये बात कर ही रही थी कि उसका भाई उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लग जाता है और उसके साथ घबाघब करने की कोशिश करता है। डेरी गुस्से में अगर उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन उसका भाई डरा उसके सर को पकड़ के दीवार में ठोकने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उसके भाई डरे के चेहरे में बहुत बदलाव आ रहा है, उसके मुंह में खून ही खून है। ऐसा लग रहा था कि वो जोम्बी बन रहा है। और वो अपनी बहन डेरी को उठाकर अपने बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां वो उसके कपड़े उतार कर उसके साथ रेप करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि हमारा आशिक डर गया वहां पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लग जाता है। डरा बाहर आता है चाकू लेकर और दरवाजा खोलता है। डर गया अंदर आता है और उसे दिखाई देता है बहुत पुरानी पेंटिंग। दरअसल ये पेंटिंग डरा और डरी के परदादों की है, जो हूबहू डरा और डरी के फेस से मिल रहा था। डर गया को ये देख बहुत अजीब लगता है और पीछे से डरा उसको हमला करने ही वाला था कि डर गया उसको रोक लेता है और डरा को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उसे पीट वो ऊपर जा रहा होता है डरी के पास, फिर डरा उसके पीछे आकर उसको हमला करता है और फिर से डर गया अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर उल्टा हमला करता है। दोनों फाइट करते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते वक्त अचानक से डरा का चाकू उसे के ऊपर लग जाता है। तब वहां पर डरा चाकू निकाल के उसके हाथ में वार करता है, जिससे डर गया फंस जाता है। ऊपर डरी को अपने आशिक डर गया की आवाज आती है और वो जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। वो जैसे तैसे जबरदस्ती दरवाजे को खोल बाहर आती है और अपने आशिक डर गया के हाथ से वो चाकू निकाल कर उसे फ्री कर देती है। और इधर बेसमेंट से वो पानी बहुत ज्यादा बाहर आ रहा था और कुछ आत्माएं भी बाहर आ रही थी जो डर गया को मारना चाहती थी, क्योंकि इस महल में कोई भी अनजान आदमी आता है तो ये आत्माएं भड़क जाती हैं और उसे मारने के लिए पीछे लग जाती हैं। तो सेम ऐसा ही हो रहा था। डरी को ये सब बात मालूम था, इसलिए अपने आशिक डर गया को फटाफट बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। तब डरी डर गया को बचाने के लिए खुद बेसमेंट के पानी में कूद जाती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट के नीचे एक बहुत बड़ी नदी है। तभी डर गया भी वहां पर आता है और पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि सारी आत्माएं डर गया को खींच लेती हैं और डरी को भी खींचना चाहती हैं, लेकिन डरी जैसे तैसे पानी से बाहर निकल जाती है। और बाहर आने के बाद वो देखती है कि बेसमेंट से वो सीधा लेक के पास पहुंच गई थी और वो बाहर निकल कर अपने घर पर वापस जाती है, जहां वो देखती है कि उसका भाई आखिरी सांसें गिन रहा है। वो अपने भाई को इग्नोर कर सामान पैक करके बाहर निकल जाती है। वहां पर डरे का पीछा एक कौवा कर रहा था और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल डरी और उसका भाई डरा दोनों के ऊपर ये शराब था कि ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे के साथ घबाघब करके इन दोनों को एक ट्विंस पैदा करने थे और उनके साथ भी वही रूल्स चलना था, और इसी शराब की वजह से इनके मॉम डैड ने आत्महत्या कर लिया था। धन्यवाद देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।